एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हमें बात करना है अवध यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से, वो बच्चे जो बीएड कर रहे हैं। आप लोगों से बात करनी है दोस्तों, बहुत दिन हो गए थी, कुछ बातें नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं वीडियो बना के आप तक आया हूँ। पूछना ये है दोस्तों कि कैसे तैयारी चल रही है आपकी, हो गई मस्ती, हो गया आराम, घूम लिए, सब लोग आ गए, गेस्ट वेस्ट वाला काम खत्म हो गया। अगर आप फ्री हो गए हो बच्चों, तो आइए ज़रा सीरियसली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं। अवध यूनिवर्सिटी के जो बीएड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करें। दोस्तों फर्स्ट ईयर की वीडियोस ऑलरेडी मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो प्लीज़ आप देखिएगा, क्योंकि उस टाइम ना एग्ज़ाम्स के टाइम अगर आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, गैप नहीं रहता आपके एग्ज़ाम्स में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में गैप नहीं रहता अगर बीच में संडे ना पढ़ा तो। जो बच्चे सेकेंड ईयर में, उनके पास तो एक एग्ज़ाम्स का अनुभव है और उनके पास 3 ही सब्जेक्ट है, वो आसानी से कर जाएंगे। सेकेंड ईयर के बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा वो टेंशन नहीं रहता, वो आसानी से कर जाएंगे। और एक और बात है कि वो एक साल से हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के लोग, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा अपने पढ़ाई को लेकर। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ तो डेली अपलोड किए जा रहे हैं, सेकेंड ईयर वालों से खास बात ये करनी है कि मस्ती बहुत चल रही है आप लोगों की। तो अब आइए हम एक काम करते हैं दोस्तों, सेकेंड ईयर की भी पढ़ाई हम सीरियसली स्टार्ट करते हैं। डेली एक एक पॉइंट अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम आते आते आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि एग्ज़ाम्स के टाइम कोई टेंशन नहीं हुआ, आराम से जाइएगा, सो के उठ के मस्त पेन लेके एग्ज़ाम दे के आइएगा, ठीक है। वैसे मैं मिलूंगा आपको साकेत के बाहर भटकता हुआ। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ बच्चों, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ एक आपके सब्जेक्ट्स जैसे अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सब्जेक्ट्स में बात कर रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न इशू, मैंने ऑलरेडी बाबू ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे यूनिट 1 का वीडियो बना रखा है। यूनिट 1 आपका है क्या, यूनिट 1 आपका ओवरऑल आपका है, यूनिट 1 में आपको टोटल पढ़ना क्या है, यूनिट 1 में आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट एम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक बौद्धिक और इस्लामिक एरा, मतलब ये 3 कालीन शिक्षाओं के बारे में आपको पढ़ना था, ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा तो जो पॉइंट है दोस्तों, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, मतलब आज़ादी से पहले के समय एजुकेशन के बारे में, जब अंग्रेज हुआ करते थे तो चार्टर्ड एक्ट, चाहे मैकालेस का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, गोखले, विलियन वरदासी चौधरी, इन सभी को वीडियोस में भी देखा जा चुका है। चौथा यूनिट भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें एजुकेशन टू लिव टुगेदर, पीस एजुकेशन, जेंडर इशूज और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपके टोटल 6 यूनिट में बाबू, 6 यूनिट में आपके 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 यूनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं आपका, वो नेक्स्ट जो यूनिट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे। इस वीडियो में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा हम डिस्कस करने वाले। तो जो आपका लास्ट 6 यूनिट है उसमें आपके जैसे एस एन डी टी हो गया, वनस्थली विद्यापीठ, एकलव्य, रोल ऑफ NCERT, SCERT, डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नूज, NIOS, NCT, इसमें से कन्फर्म आपका सेक्शन सी में 15 नंबर में सवाल पूछता है। कोई 2 पॉइंट दे देगा आपको, उसकी व्याख्या करनी है, कभी कभी कोई 3 दे देगा, लेकिन कंफर्म यूँ समझ के जाइए कि कम से कम आपके 8 नंबर और आपको मैक्सिमम यहाँ से 15 से 20 नंबर मान लीजिए आपको इससे देखने को मिल जाएगा। किससे? SNDT, वनस्थली विद्यापीठ, एकलव्य, NCERT, SCERT, डिस्टेंस एजुकेशन, इन सब चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म। ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम इसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? तो जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, कोर्स आपका चलने वाला है, मौसम नहीं बिगड़ने वाला है, मौसम ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे SNDT, वन बाई वन चलेंगे SNDT की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इस वीडियो के तुरंत बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं, चाहे चैनल से अगर नए जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है तो मैं उनको बता दूँ कि आपका जो ये पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों, 6 यूनिट की, मैं जिस 3 यूनिट की बात कर रहा हूँ कि जैसे पहला यूनिट आपका जिसमें हमने वैदिक कालीन, बौद्धिक कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में डिस्कस किया, चलिए उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दूसरे यूनिट की भी दे दूंगा और चौथे यूनिट की भी दे दूंगा। ये 3 यूनिट हमने ऑलरेडी देख रखा है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम वालों को ऑलरेडी मिल जा चुका है। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, इसको ख़त्म कर देते हैं यार, 3 यूनिट हमने देख रखा है, 1 यूनिट और ख़त्म कर लेते हैं, 4 यूनिट हो जाएगा। ये जब 4 यूनिट ख़त्म हो जाएगा, इसको हम मेरी ख्वाहिश है दोस्तों, मेरी खुद की ख्वाहिश है, और इस बार मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ये जो पूरा पॉइंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन, कि भारत के संविधान में शिक्षा को लेके क्या बातें कही गई, क्या प्रोविज़न रखे गए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक सवाल आता है, वो तो यहाँ पर दिया गया, एजुकेशन राइट टू एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, शिक्षा का क्या महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज यानी कि संवैधानिक मूल्य को प्रमोट करने में शिक्षा का क्या महत्व है। तो ये जो तीन चार पॉइंट है दोस्तों, और अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन और रूल ऑफ एनसीईआरटी, तो ये जो चार पॉइंट है इन चार पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेंगे। एक हफ्ता लगेगा क्योंकि पॉइंट इसमें ज़्यादा है, तो हम इस सबको डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से आपका थर्ड यूनिट का चार यूनिट यहाँ पे थर्ड पेपर का चार यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बस आप सबको सपोर्ट करना है, आप सबको देखिए पढ़ना तो आपको ही, एग्जाम में लिखना तो आपको ही है, तो इसलिए आपका एक्टिव होना ज़्यादा जरूरी है। सो मैं आशा करता हूँ कि अब आप एक्टिव होंगे, ये तीन यूनिट आपके लिए कंप्लीट हो गया होगा। चौथा यूनिट हम शुरू कर लेते हैं और इसको ख़त्म करने के बाद ये सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, फिर दूसरा और पहला सब्जेक्ट देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके यही बात करनी थी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप पढ़ाई अपने शुरू कर दिए। तो बस दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझ सकता हूँ आपको सीटेट का भी पेपर देना है और बहुत सारे बच्चों ने CHSL CGL का भी फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे बच्चों का BDO का एग्जाम होगा, बहुत सारे बच्चे MED की तैयारी कर रहे होंगे। कोई बात नहीं बाबू, विद्यार्थी है ना, हमारे जीवन में तो संघर्ष होता ही है, संघर्ष रहता ही है विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है। तो हमें उससे नहीं डरना है, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए एक शेर कहा गया है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, पढ़ना है भाई, विद्यार्थी का जीवन ही संघर्ष भरा होता है, पढ़ना है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम सारे एग्जाम्स के लिए। BED की टेंशन आप ना लीजिएगा, बस डेली इस वीडियो को देखते रहिएगा, अगर मौका मिले तो उसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी नोट्स तो मैं PDF दूंगा नहीं, आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर होगा। और जैसे एग्जाम आएगा तो एक मैराथन में आपके सारे पाँचों छः यूनिट्स को देख लिया जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो बहुत लेट हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सहायक होगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। BED फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी बी एक्टिव हाँ शुरू कर दीजिए, आपके पास तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन हाँ आप भी शुरू कर दीजिए पढ़ाई को, ठीक है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, SNDT को समझेंगे और BED फर्स्ट ईयर का डेली वीडियोस आ ही रहा है आपके लिए। आप सब जुड़े रहिए चैनल से और थोड़ा कोशिश करिए यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी लोग कम जुड़ रहे हैं, हालांकि जुड़े हैं, कोई शिकायत नहीं है, मगर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि और लोग जुड़े जो BED करने वाले हैं, बाकी नहीं, जो BED करने वाले हैं वो जुड़े, क्योंकि उनके सहायता के लिए वीडियोस हैं और चैनल्स हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में SNDT के साथ और अन्य पॉइंट के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।